खत्म। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? तो दोस्तों, आपने पहला पार्ट देखा फिरोजपुर से लेके नई दिल्ली तक। अब मैं आपको नई दिल्ली से लेके अगरतला तक इस ट्रेन का सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। भैया जी, नई दिल्ली से चलने के बाद ये गाड़ी सीधा कानपुर रुकती है और 434 किलोमीटर रन करती है और रास्ते में बिल्कुल नहीं रुकती। और हम सुबह मिलेंगे आपको 5:30 बजे। मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? दोस्तों, रात को मैंने जैसे आपको दिखाया कि वॉशरूम के लिए गया था, वो कितना रश था यहाँ पे। तो सबसे पहले उठते सारे हमने ये किया कि हमने 139 पे कंप्लेंट की और वॉशरूम में अभी थोड़ी देर में पानी आएगा जहाँ भी गाड़ी खड़ी होगी। भैया जी, 40 मिनट की देरी के बाद हम आ गया इलाहाबाद में, जिसको बोलते हैं प्रयागराज। और यहाँ पे गाड़ी 5 मिनट के लिए खड़ी होगी और गाड़ी में रश इतना ना क्या बताएं आपको, लेकिन रश वाली गाड़ी में ही मजा आता है। अगर आपकी सीट कंफर्म होनी चाहिए तभी मजा आएगा। देखिए, ट्रेन का नाम है पोरी धदा एक्सप्रेस। कैसा अनोखा नाम है ट्रेन का। हमने पहले भी बहुत सारी ट्रेनों में बताया कि आप 139 पे कंप्लेंट करके पानी मंगवा सकते हैं अगर आपकी ट्रेन में पानी नहीं है। गोडान एक्सप्रेस देख रहे हो, मुंबई कुर्ला से गोरखपुर। हम पहुंच गए हैं दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में, जो कि यूपी में पड़ता है। अभी तक हमारी गाड़ी ने 1203 किलोमीटर का सफर तय किया है और यहाँ पे गाड़ी आधा घंटा लेट आई है। इस रेलवे स्टेशन में 8 प्लेटफार्म है और 23 ट्रैक है, यानी 170 के करीब यहाँ पे ट्रेन डेली आके रुकती है। और यहाँ पे ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रूट खाने को मिलता है, जो कि मैंने आपको वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है हमारे इंडिया का। 1961 में यह इलेक्ट्रीफाइड हुआ था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट खाने को मिलता है। ये देखिए, नीचे फ्रूट का स्टॉल लगे। सो सिर्फ 5 मिनट रुकने के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से चल पड़ी और मैं भाग के चढ़ा ट्रेन में।
भैया जी, फिलहाल हमारा जो दोपहर का लंच है वो आ गया है। ये है अंडा करी, यानी इसका प्राइस है 90 रुपये। इसमें क्या क्या मिला है हम आपको दिखाते हैं। और ये है वेज थाली, इसका प्राइस है 80 रुपये। कभी भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो वेज थाली का प्राइस होता है 80 रुपये, अंडा थाली का प्राइस होता है 90 रुपये। ये है अंडा थाली, ये देखिए दो अंडे हैं, कढ़ी है, ये दाल और राइस और दो परौंठे और साथ में अचार, इसका प्राइस मैंने आपको बताया 90 रुपये। और ये है वेज थाली हमारी, इसमें सब्जी रहती है, दाल चावल और दो परांठे, और परांठे को साइज़ देख लो कितना है, इससे क्या बनेगा हमारा। चलो फिर अगर खाने की डिश की बात करें तो नमक बिल्कुल नहीं है दाल में, सब्जी अच्छी है, साथ में दही मिला है, चावल है, और हमने नमक घर से लाए थे, वो हमने थोड़ा सा कुत्ता दी ना घर से, अचार लाए थे, बहुत ही अच्छा अचार है, उनकी मम्मा ने स्पेशल भेजा। फिनिश, खत्म। दोस्तों ये है डीडी साहब, बिहार में मिले हैं, तो चलिए इनसे इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं ये काम करते हैं इनको एक्सपीरियंस कैसा है। तो भैया जी, तो भाई साहब कहना है कि जब काम के दौरान ऐसे, तो मैं मेरा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ पहले। मेरा नाम उदय पालुआ, एज ए TTI मुगल सराय पोस्टिंग है मेरा। मैं मुगल सराय से पटना बरौनी और इसी लाइन में जो ECR के जो डिवीज़न है, सोनपुर डिवीज़न और आपका दानापुर डिवीज़न में वर्क करना पड़ता है। इस दौरान इस लाइन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये हमारे जो क्षेत्र हैं, बिहार का क्षेत्र पड़ता है, बक्सर आरा, ये सब क्षेत्र बहुत बहुत ज़्यादा लोग इसमें अनऑथराइज पैसेंजर चलते हैं, जिससे हम लोग को बहुत काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैन पुलिंग होती है जो है ना बिहार में, जब से ट्रेन बिहार में चली है, हमारे पंजाब में, उधर हिमाचल में या उधर जम्मू कश्मीर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम देख रहे हैं जो भी लोगों का घर पास में है वो चैन पुलिंग कर रहे हैं। अब ऐसा तो मतलब कि देखने को बहुत कम मिलता है हमारे क्षेत्र में, ACP नहीं के बराबर होता है। कभी कभी अक्सर किसी के साथ कुछ ऐसी कठिनाइयों या कुछ समस्याएं होती है जिसके वजह से ACP लोग कर देते हैं। अब इस वक्तव्य पर हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब कि नहीं के बराबर ही है, मतलब कि रेलवे जो है इस स्थिति में मतलब बहुत चुस्त दुरुस्त है। ACP करने वालों को भी दंडित करती है सरकार, ऐसा नहीं है, ये नहीं कि छोड़ती नहीं है, मतलब है ना, दंड नहीं, इसमें छोड़ती नहीं है। हाँ, हम भी यही अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि जैसे आप चादर ओढ़ने को मिलती है आपको, थर्ड AC में तकिया मिलता है, रुमाल मिलता है, लोग घर को ले जाते हैं। अब ऐसा तो देखने को मिलता है हर जगह, उनके पैसेंजर की मेंटेलिटी को तो भापा नहीं जा सकता है कि कौन क्या है। हाँ, अब घर से लोग आते हैं, क्या सोच कर आते हैं, किसी सामान उठाना ले जाना या रेलवे की संपत्ति को ले जाना, ये तो कहा नहीं जा सकता है किसके अंदर क्या है। लेकिन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ये तो बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल, चलो ठीक है सर, नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा मिलके, थैंक यू। भैया जी, हम आ गए हैं बरौनी में जो कि पड़ता है बिहार में। 1520 किलोमीटर का सफर हमारी गाड़ी ने तय किया और यहाँ पे गाड़ी 10 मिनट के लिए खड़ी होगी। और बरौनी में इंडियन ऑयल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये जो बरौनी रेलवे स्टेशन है ना, ये शुरू हुआ था 1 मई 1983 में। 10 मिनट के लिए ये गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी। आपको पहले भी बताया था, भगवान का जो नाम है ना, आप कहीं भी स्मरण कर सकते हैं, बस आप में लगन होनी चाहिए। चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, बस आप में श्रद्धा होनी चाहिए अपने भगवान को याद करने के लिए।
भैया जी पकोड़ा लिया है 20 रुपए का, दो तनिक खा के देखते हैं ये खाने में कैसा है। बिहार में पहुंचे हैं तो पकोड़ा तो खाना बनता है, यहाँ के लोग पकोड़े बहुत खाते हैं, हरी मिर्च देते हैं साथ में, हमको दिया नहीं है तो खा के देखते हैं कैसा है। आपको जनरल का हाल दिखाते हैं कि जनरल में कितना रश है। चलो भैया जी आ जाओ जनरल क्लास में, ये देखिए कैसा खड़ा है, ये बैठा है इधर। क्या बात है, ये देखिए रश कितना है, सौर है ऊपर। भाई साहब ऊपर से गिर गए। कहते हैं चाय पीने से सिर दर्द जो होता है आपका ठीक हो जाता है। तो हम पहुंच गए हैं कटिहार में जो कि पड़ता है बिहार में। तो वीडियो का दूसरा पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और थर्ड पार्ट आपको हम कटिहार से आगे का दिखाएंगे। वीडियो बहुत लंबी होगी, हम भी बहुत थक गए हैं, 2 दिन हो गए हमको इसी ट्रेन में।